नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज नवीन कुमार एंड आई एम फैकल्टी फिजिक्स एट रावत पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। ओके, द ओम्स लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल। सो द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ इज क्वाइट इजी एंड वी स्टडीड दिस इन 10th क्लास एज वेल। ओके, ओम्स लॉ ने क्या बताया कि एक हमारे पास कोई कंडक्टर है, ओके, और उस कंडक्टर को हमने एक बैटरी प्रोवाइड कर दी, तो इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ ने इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट और अप्लाइड बैटरी के बीच में एक रिलेशनशिप बताई, और इन्होंने ये बताया कि करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विच वी आर अप्लाइंग। ओके, so it states that current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference। mathematically hum isko kya likh sakte hain, v proportional to i। okay, abhi proportional kab hota hai, when we are keeping all the physical quantities constant, jaise ki temperature constant ho, pressure constant ho, in sabko agar hum constant rakhte hain तो उस टाइम पे आपके करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, हमें उसकी लेंथ भी चेंज नहीं करनी, हमें उसका एरिया भी चेंज नहीं करना, क्या करना है, चेंज सिर्फ पोटेंशियल। तो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करने पे हम प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे, तो कॉन्स्टेंट आएगा, दैट कॉन्स्टेंट इज रेजिस्टेंस। सो आर यहां पे क्या हो गया, वी अपॉन आई, दिस आर इज रेजिस्टेंस। आर इज रेजिस्टेंस, वी इज पोटेंशियल, यहां पे लिख देते हैं सारी चीज सो दैट आपको याद रहे। V is potential and I is current। Resistance की unit होगी ohm, potential की unit होगी V, volt and current की unit होगी ampere। Okay, now अब यहाँ पे एक चीज हमने देखा, एक proportionally constant है, that is resistance। तो resistance is what? जब हम ये battery apply करेंगे तो current flow होना start करेगा। Now this material is having a property of resisting that flow, that means of hindrance to the flow of current, that property is known as resistance। Okay, resistance is a hindrance to the flow of current, okay, that is known as resistance, and as a unit of that resistance is ohm। अब बात आती है कि ये जो resistance है इसकी यूनिट को हम डिफाइन करें वन ओम, वन ओम होते कितने है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल को वन वोल्ट करें तो करंट कितना हो जाए, वन एम्पियर। तो वन ओम इज द रेजिस्टेंस। ओके, व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट एंड ड्यूरिंग दैट कंडीशन वन एम्पियर करंट फ्लो, ओके, दैट इज नोन एज वन ओम रेजिस्टेंस। सो इजिली आप लोग डिफाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला की वन ओम की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, नाउ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, सो दिस विल बी द ग्राफ। ऑन द वाई एक्सिस वी विल बी टेकिंग करंट एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग वोल्टेज। अब ये क्यों लिया है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे जनरली हम वो चीज लेते हैं जो कि वेरिएबल हो, जो कि चेंज करेंगे हम, एंड वाई एक्सिस पे वो चीज लेंगे जो कि डिपेंड करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई हेयर इज डिपेंडेंट, व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल देन करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ अभी जो रेजिस्टेंस है इसको हम मेजर करते हैं एक सर्किट से, जो कि आपका प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में,
देखो वो सर्किट हम कैसे बनाएंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको याद रखना है हमें, जैसे कि ये बैटरी है, हियर वी विल बी यूजिंग एमिटर। एमिटर आपको पता है, एमिटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, ये डिवाइस हमने कनेक्ट कर दिया जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, और कोई भी चीज जिसका हमें वोल्टेज मेजर करना हो उसके हम पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देंगे। ओके, अगर हम इनकी पोलैरिटी की बात करें तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। नाउ करंट कैसे फ्लो करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। अगर हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, की भी लगा सकते हैं। ओके, आप चाहो तो यहां पर एक की लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस की इज यूज टू टर्न ऑन एंड ऑफ द सर्किट, सो दिस इज द सर्किट वेयर वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज देन करंट ऑल्सो इंक्रीज, सो दिस रेजिस्टेंस दिस आर कैन बी मेजर्ड विद दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशन ऑफ वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशन ऑफ आई, देन वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके, सबसे पहला फैक्टर लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, दैट मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द लेंथ देन रेजिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू चेंज। ओके, नाउ द अनदर फैक्टर ओवर विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, दैट इज एरिया। दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, देन व्हाट विल हैपन, द रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज। ओके, कैसे चेंज होगा, व्हेन वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, व्हेन वी डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, दैट मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक और फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, नाउ नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, वी कैन सी, वी हैव सीन वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स जैस लाइक एस कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो एक मटेरियल है निकॉन व्हिच इज हैविंग रेजिस्टेंस 60 टाइम एज दैट ऑफ द कॉपर। ओके, दैट मींस द रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। निकॉन इज ऑफ डिफरेंट नेचर एंड कॉपर इज ऑफ डिफरेंट नेचर। ओके, एंड निकॉन इज हैविंग 60 टाइम्स रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कॉपर। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो क्या जाएगा अपने पास, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, सो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू साइन पढ़ेंगे तो कांस्टेंट आएगा रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज टेलिंग अस अ रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ एंड एरिया। ओके, नाउ हियर वी गॉट अ कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रो। ओके, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रो,
दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटीरियल. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द मेटीरियल, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन फिजिकल क्वांटिटीज, जस्ट लाइक एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. इफ आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर देन रेजिस्टिविटी विल चेंज. But if we are going to change the shape of the material, that is, we are going to increase the length or decreasing the length, changing the area, increase or decrease, so resistivity in that case will not change. The resistivity is the property which depends upon your material, nature of the material. Okay, now this resistivity formula we can make with the help of this one. Resistivity is equals to R A divided by L. So this is the formula for resistivity. And resistivity, how we can define? Resistivity is a resistance offered by a material of 1 meter length and 1 meter square cross section area. आप इसकी definition इस formula से बना सकते हो. Resistivity is resistance of a material of 1 meter square area and 1 meter length. Resistivity is resistance offered by a material of 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ. तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है शोन बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल. ओके, सो यहां से रेजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट आ जाएगी, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दैट इज ओम मीटर. ओके, दिस इज द ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. सो that's all for this video. In the next video, we will see about more physical concepts related to current electricity. Thank you.